स्मिति कार्टून हाउस। हेलो दोस्तों, आज फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आज लेकर आई हूँ एक राजकन्या की कहानी। एक राज्य में था एक राजकन्या। राजकन्या बहुत ही खूबसूरत थी, पर इसके लिए राजकन्या के मन में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था। कभी कोई भिखारी और गरीब आदमी आकर राजकन्या से कुछ मांगते हैं, तो वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। ऊपर से राजकन्या राज्य में गरीबों में खाना, कपड़ा ऐसे कुछ कुछ चीजें बांटती रहती थी, इसीलिए राजकन्या को सब बहुत प्यार करते थे। हमारी राजकन्या कितना अच्छी है ना, कितनी खूबसूरत है, पर फिर भी उनकी मन में बिल्कुल अहंकार नहीं है, देखा? हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो लगता है हमारी राजकन्या की जैसी खूबसूरत लड़की इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर इतनी खूबसूरत होने के बाद भी उनकी मन में कोई अहंकार नहीं है। गरीबों को कितना सम्मान देती है वो, और गरीबों को कितना मदद भी करती है। दयालु होने के साथ ही राजकन्या प्रकृति की शोभा देखना बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो हर रोज सुबह एक नदी के किनारे जाती थी प्रकृति की शोभा देखने के लिए। ये नदी के किनारे की शोभा कितनी मधुर है, यहाँ हर रोज आना पड़ता है इस नज़ारे को देखने के लिए। ये नज़ारा मुझे खींच कर लाती है ये नदी के किनारे में। उधर राजकन्या की इतनी खूबसूरती से जलती थी एक चुड़ैल। पता नहीं सब राजकन्या में एक से क्या देख लिया जो राजकन्या का खूबसूरत बोलती है। उसे तो खूबसूरत मैं हूँ, पर फिर भी किसी को मेरी खूबसूरती दिखाई नहीं देता। मुझे इतना गुस्सा आता है, लगता है इसे मार डालूं। इसे अगर मैं मार दूंगी तो फिर कोई मेरे सामने इसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करेगा। पर इसे मारूं कैसे, मुझे मौका ही नहीं मिलता इसे मारने का। राजकन्या हर रोज सुबह नदी के किनारे आती है, इसी मौका का फायदा उठाना है। सुबह जब वो नदी के किनारे आती है तब उसे लेकर मैं चली जाऊंगी। इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक दिन पास के किसी राज्य के राजकुमार जंगल में गए शिकार करने के लिए। जंगल में जाकर राजकुमार रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए वो राजकुमार आ पहुंचे उस नदी के किनारे, जहां पर हर रोज सुबह राजकन्या जाती थी घूमने के लिए। नदी के किनारे जाने के बाद राजकन्या को देखकर राजकुमार राजकन्या से प्यार करने लगे। वाह, नदी के किनारे कोई लड़की खड़ी है, कितनी खूबसूरत है, लगता है वो किसी राज्य की राजकन्या है। पर वो किस राज्य की राजकन्या है, मैं उसे जाकर पूछता हूँ। राजकुमार गए राजकन्या से बात करने के लिए। तुम कौन हो? मैं इस राज्य की राजकन्या मणिमाला हूँ, पर तुम कौन हो? मैं सूर्यनगर राज्य की राजकुमार प्रताप नारायण हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं जंगल में आया था शिकार करने के लिए, पर जंगल में आने के बाद मैं रास्ता भटक गया और रास्ता ढूंढते हुए मैं इस नदी के किनारे आ पहुँचा। उधर राजकन्या को भी राजकुमार बहुत पसंद आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, राजकुमार प्रताप नारायण
कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितना अच्छा दिखते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आए। उसके बाद से हर रोज राजकुमार उस नदी के किनारे आते थे राजकन्या से मिलने के लिए। एक दिन राजकुमार राजकन्या से बोला, राजकन्या मणिमाला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अगर कोई एतराज ना हो तो फिर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकन्या से राजकुमार बहुत पसंद था, इसीलिए उसे कोई एतराज नहीं हुआ इस शादी के। उधर राजकुमार और राजकन्या की ये सारी बातें सुन रही थी कुछ चुड़ैल। राजकुमार की राजकन्या के लिए इतना प्यार देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी, ये राजकुमार तो बहुत खूबसूरत है, ये मुझे बहुत पसंद आए, और ये इतनी खूबसूरत राजकुमार को ये राजकन्या शादी करेगी, कभी नहीं, मेरे होते हुए मैं ये कभी होने नहीं दूंगी, इस राजकन्या को मैं कभी खुश नहीं होने दूंगी, मैं भी देखती हूँ मेरे रहते हुए कैसे ये शादी होता है। अगले दिन सुबह राजकुमार फिर से आए राजकन्या से मिलने के लिए उस नदी के किनारे। पर उस दिन नदी के किनारे आकर राजकुमार राजकन्या से नहीं मिल पाए। राजकन्या किसी वजह से उस दिन नदी के किनारे नहीं आई। राजकन्या आज नदी के किनारे क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अब मैं क्या करूं? मैं राजमहल में जाऊं, राजकन्या के लिए, राजकन्या के बारे में पूछताछ करने के लिए मुझे राजमहल ही जाना होगा। जब राजकुमार ये सब कुछ सोच रहे थे उसी वक्त उसने सुना, राजकुमार किसी की रोने की आवाज सुना। किसी की रोने की आवाज आ रहा है जंगल से? ये आवाज तो किसी लड़की की है, मुझे अभी जंगल में जाकर देखना होगा, कोई अगर मुसीबत में है तो मुझे बचाना होगा उसे, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ। कुछ देर ढूंढने के बाद राजकुमार ने देखा जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई एक लड़की रो रही है। राजकुमार उसके पास गए। तुम कौन हो और इस तरह रो रहे हो, और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं पास के गांव में रहती हूँ, जंगल में रास्ता भटक गई और मैं घर नहीं जा पा रही हूँ, जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है, आप मुझे इस जंगल से निकलकर मेरे घर तक पहुंचा देंगे? डरो मत, मैं तो आ गया हूँ, अब कोई मुसीबत नहीं आएगा, मैं तुम्हें इस जंगल से निकलकर तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, आओ मेरे साथ आओ। राजकुमार जब उस लड़की को रास्ता दिखाकर चलना शुरू किया, अचानक वो लड़की अपना चेहरा बदल कर हो गई वो चुड़ैल। उसके बाद वो चुड़ैल राजकुमार के हाथ में एक चांदी की दंड छोड़ दिया। उसके बाद राजकुमार को बहुत नींद आने लगा। ये क्या हो गया, मुझे इतनी नींद क्यों आ रहा है, मुझे बहुत नींद आ रहा है। उसी वक्त राजकुमार को नींद आ गया। आप क्या होगा, ये राजकुमार तो सो गया, अब मैं इसे लेकर जाऊंगा अपने घर में, अब देखती हूँ राजकुमार
से शादी करती है। इस राजकुमार से तो मैं शादी करूंगी। ये बोलकर वो चुड़ैल राजकुमार को लेकर चली गई पानी के अंदर उसके घर में। और उसके बाद चुड़ैल राजकुमार को अपने घर में बंदी बना लिया। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होगा? क्या राजकुमार इस चुड़ैल की कैद से निकल पाएगा? क्या राजकन्या मणिमाला राजकुमार से शादी कर पाएगी? ये सब सवाल के उत्तर जानने के लिए देखो स्टोरी की दूसरी भाग।